कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि जब आप ऑनलाइन कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ पर आपको उनकी वेबसाइट के मुताबिक ही परफेक्ट साइज में फ़ोटो को अपलोड करना होता है। जैसे कि आप अगर NHDL से पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको 2.5 बाय 3.5 सेंटीमीटर का फ़ोटो अपलोड करना होता है। इधर अगर आप UTI से पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको 213 बाय 213 पिक्सल का फ़ोटो अपलोड करना होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से किसी भी फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि किसी भी फ़ोटो या सिग्नेचर के MB को आप कैसे कम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने मोबाइल से फ़ोटो या फिर किसी सिग्नेचर को रिसाइज करने के लिए आपको इस एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अलाउ का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको इसे अलाउ कर देना है। अब यहाँ पर आप अपनी फ़ोटोज़ को काफ़ी तरीके से यहाँ पर रिसाइज कर सकते हैं, जिनमें से पहला तरीका है यहाँ पर पिक्सल, दूसरा तरीका है यहाँ पर मिलीमीटर, उसके बाद यहाँ पर है सेंटीमीटर, उसके बाद है इंच। तो यहाँ पर आप 4 तरीके से अपनी फ़ोटोज़ को रिसाइज कर सकते हैं। तो फ़ोटोज़ रिसाइज करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो को ऐड करना होता है। तो ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको ऊपर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से सबसे पहला वाला ऑप्शन है यहाँ पर गैलरी का और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर कैमरे का। तो गैलरी पे अगर आप टैप करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी गैलरी से अपनी फ़ोटो को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर कैमरे का। तो कैमरे वाला ऑप्शन पर आप जैसे ही टैप करेंगे तो आप यहाँ पर डायरेक्टली फ़ोटो खींच कर भी अपनी फ़ोटो को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम गैलरी वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, तो हमने यहाँ पर अपनी फ़ोटो को ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर अगर आप NHDL से अपना पैन कार्ड अप्लाई करने वाले हैं तो NHDL से पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको सेंटीमीटर में अपनी फ़ोटो का साइज़ सेट करना होगा। तो सेंटीमीटर में यहाँ पर आपको CM वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही टैप करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आपको वीड वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। अब वीड वाले ऑप्शन पर जो भी लिखा हुआ है इसको आपको कट कर देना है, और यहाँ पर आपको 2.5 सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको हाइट वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। अब यहाँ पर हाइट वाले ऑप्शन पर भी यहाँ पर आपको इस टेक्स्ट को कट कर देना है। अब यहाँ पर आपको 3.5 सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर आपको ओके कर देना है। तो हमने यहाँ पर अपनी फ़ोटो का विड और हाइट जो सेलेक्ट किया है वो NHDL वेबसाइट पर पैन कार्ड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो को क्रॉप भी कर सकते हैं। क्रॉप करने के लिए यहाँ पर आपको जूम आउट और जूम इन करना है। आप कितनी लेंथ में अपनी फ़ोटो को रखना चाहते हैं आप यहाँ पर रख सकते हैं। आप जितना भी जूम आउट जूम इन करेंगे फिर भी यहाँ पर साइज़ छोटा या बड़ा नहीं होने वाला है, जो आपने सेट किया है वही साइज़ यहाँ पर रहने वाला है। और यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो को रोटेट भी कर सकते हैं। सब कुछ सेट हो जाने के बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो ये तो हो गई NHDL वेबसाइट की बात। अब बारी है UTI से। अगर आप पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपको पिक्सल में अपना फ़ोटो अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर हम पिक्सल वाले ऑप्शन पे टैप कर देते हैं। पिक्सल वाले ऑप्शन पे हमने यहाँ पर टैप कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो पिक्सल में यहाँ पर आपको वीड वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। अब यहाँ पर आपको इसको कट कर देना है। अब यहाँ पर आपको 213 सेलेक्ट कर लेना है विड को, और यहाँ पर हाइट को भी यहाँ पर आपको 213 सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका फ़ोटो यहाँ पर साइज़ हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप क्रॉप करके छोटा या बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर परफेक्ट साइज़ आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ़ोटो हमारी यहाँ पर गैलरी में सेव हो चुकी है। तो ये तो हो गई NHDL और UTI से आप कैसे पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, अपनी फ़ोटो को कैसे रिसाइज कर सकते हैं। तो अब बारी है कि कैसे आप अपने सिग्नेचर को यहाँ पर रिसाइज कर सकते हैं। तो सिग्नेचर को रिसाइज करने के लिए यहाँ पर आपको सिग्नेचर को ऐड करना होगा। तो ऐड करने के लिए यहाँ पर आप गैलरी में भी जा सकते हैं, और यहाँ पर आप कैमरे वाले ऑप्शन पर चूज़ करके डायरेक्टली फ़ोटो को क्लिक कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने सिग्नेचर का फ़ोटो लेने वाले हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर कैमरे वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। यहाँ पर अलाउ का ऑप्शन आ गया है, अलाउ करेंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कैमरा ओपन हो चुका है, यहाँ पर हमारा सिग्नेचर आ चुका है। सिग्नेचर का हम यहाँ पर फ़ोटो खींच लेते हैं। फ़ोटो हमने यहाँ पर ले लिया है, यहाँ पर हम राइट वाले चिन्ह पर टिक करेंगे। इस पर टिक करने के बाद यहाँ पर हमारी फ़ोटो यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा सिग्नेचर आ चुका है। तो सिग्नेचर में यहाँ पर आपको पिक्सल में ही देना पड़ेगा, तो पिक्सल वाले ऑप्शन पर ही हम यहाँ पर रहने देंगे और विड वाले ऑप्शन पर यहाँ पर टैप करेंगे और यहाँ पर विड को यहाँ पर आपको 200 सेलेक्ट कर लेना होगा और यहाँ पर हाइट को यहाँ पर आपको 100 सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद ओके करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पर सिग्नेचर का विड और हाइट को सेलेक्ट किया, यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ चुका है। अब यहाँ पर हमें जूम आउट और जूम इन करके अपना सिग्नेचर को यहाँ पर सही तरीके से सेट कर लेना है। परफेक्ट साइज में यहाँ पर हमने सेट कर लिया। यहाँ पर हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये सक्सेसफुली हमारे गैलरी में डाउनलोड हो चुका है। तो ये तो हो गई गाइज, आप अपनी फ़ोटो को और अपने सिग्नेचर को कैसे रिसाइज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप अपनी फ़ोटो को और अपने सिग्नेचर को कम साइज़ में सेट कर सकते हैं, यानी कि कम MB में सेट कर सकते हैं। तो अपनी फ़ोटो और अपने सिग्नेचर के साइज़ को कम करने के लिए एक और एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है आपको, जिसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप जाइए वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और ओपन कर लीजिए। तो ओपन करते ही आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने एक ऑप्शन दिया गया है चूज़ फ़ोटो का, तो इस पर आपको टैप कर देना है। यहाँ पर आपको अपनी गैलरी ओपन कर लेनी है। तो हमने यहाँ पर एक फ़ोटो सेलेक्ट कर ली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका साइज़ 5.82 MB इसका साइज़ है। तो इसे हम यहाँ पर KB में सेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाता है, देखिए कंप्रेसर टू फाइल साइज़ का यहाँ पर टाइप करने का ऑप्शन है। यहाँ पर आप जितना KB यहाँ पर सेट करना चाहें उतना कर सकते हैं। आप अपने ज़रूरत के अनुसार यहाँ पर आप फ़ोटो का साइज़ सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 500 टाइप किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन मिल गया है KB का। तो यहाँ पर आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको MB का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर हमने 500 टाइप कर दिया है, यहाँ पर 500 KB में ये सेट हो जाएगा। तो 500 KB में सेट करने के लिए यहाँ पर आपको मिल जाता है कंप्रेसर का ऑप्शन, तो इस पर आपको टैप कर देना है। इस पर टैप करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा वेट कर लेना होगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पर कंप्रेसर पर क्लिक किया, यहाँ पर हमारा फाइल का साइज़ 483 KB हो चुका है। तो इसे सेव करने के लिए यहाँ पर आपको सेव इट का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप इस पर टैप करेंगे। इस पर टैप करते ही यहाँ पर ये सेव हो चुका है आपकी गैलरी में। मैं यहाँ पर आपको फ़ोटो ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ़ोटो थी और यहाँ पर हम इसके डिटेल्स में जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फ़ोटो का साइज़ 472 KB हो चुका है। तो ऐसे करके आप अपनी फ़ोटो का साइज़ जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं और आप अपने पैन कार्ड वगैरह के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं।